मैनपुरी ही नहीं, समूचा देश नेताजी के जाने के गम में डूबा हुआ है। और हमारे साथ उनके सखा तोताराम यादव हैं, पूरी तरीके से टूटे हुए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, जानते हैं। कुछ ऐसी याद है जिसमें नेताजी के साथ जो पल बिताए थे। नेताजी तो निकल गए हैं और अब वो उनका जो कमी है उसे कोई नहीं पूरी कर पाएगा। क्या क्या राजनीतिक सफर रहा आपका? मेरा राजनीतिक सफर सब नेताजी का ही रहा। मैं जब नेताजी मुख्यमंत्री बने तो मैं गया मिलने, उन्होंने मुझसे कहा तोताराम एमएलए मैनपुरी से पांच ही होंगे, तुम सहकारिता की राजनीति करो। तो मैंने नेताजी से कहा, हमने कहा बिलाताजी मैं तो सहकारिता जानता ही नहीं हूँ, काम सिखा देंगे। और फिर उन्होंने मुझे राजनीति सहकारिता की, तो सबसे पहले मैं भूमि विकास बैंक का आगरा मंडल का डायरेक्टर 19 में बनाया और हमको 31 वोट में 27 वोट हमको मिले। जब मैं उनके साथ चला मैं जा रहा था तो आज मैं अपना पत्ते खोल रहे हैं, तो नेताजी ने उनसे कहा तोताराम तुम्हें हम भूमि विकास का चेयरमैन बनाएंगे। तो मैंने उनसे कहा भैया तुम शिवपाल को बना दो, शिवपाल इस समय कोई पद नहीं है। हम तो नाराज भी हुए, शिवपाल को उन्होंने फिर भूमि विकास का बनाया। और मेरा जीवन जो कुछ है उन्हीं का जीवन है और उन्होंने कभी मेरी बात को टाला नहीं। आज मेरा जो कुछ है उनका ही है, हम पे और किसी का कुछ है नहीं। आखिरी बार नेताजी से कब आपकी बात हुई थी? मेरी अभी डेढ़ महीना बात तो मेरी अभी रोज होती थी, डेढ़ महीने से अस्पताल में है। तो अब से एक दिन बोले तोताराम मैं जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे, मैं एकदम तुमको बुलाएंगे डेढ़ महीना पहले। लेकिन उन्होंने बेचारों ने हमको बुला भी नहीं पाया और तब उससे आखिर बात हो पाई लास्ट टाइम में। मैं जब तक मेरी जिंदगी है मैं अखिलेश को अपना घर का बन के मैं नहीं छोड़ूंगा। मेरा आज उसके पास कुछ नहीं रहा, अखिलेश के पास कुछ नहीं रहा। हम उनको आशीर्वाद हमेशा देते रहे, मेरा आशीर्वाद अखिलेश कहते चचा तुम मुझे आशीर्वाद ही देते रहो। आज मेरे भैया मेरे बीच चले गए, मैं परसों गया था अखिलेश से मिला, अखिलेश ने मुझको एकदम बुला लिया तो मैं रोना ही नहीं बन सका। अखिलेश बोले हम भैया हमने किसे बताओ हमारे भाई, हमने कहे ठीक हो जाएंगे स्वस्थ। लेकिन आज हमको आखिरी दिन उनसे हमारी कोई बात नहीं हो पाई। ये भावुक ऐसे पल हैं जिनका कोई अंत नहीं है। लेकिन एक ऐसा दौर जो इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इस दुनिया में नहीं रहे हैं। प्रवीण सक्सेना, भारत समाचार, मैं